सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडियन डिश लेमन डाइस की रेसिपी। लेमन डाइस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी आसान है और ये हेल्दी भी होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस लेमन डाइस की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेमन डाइस बनाने के लिए यहाँ पे हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें हम 4 से 5 चम्मच तेल डाल के उसको गर्म कर लिए हैं और उसमें हम डाल देंगे सरसों। तो 1 चम्मच हम सरसों डाल रहे हैं। सरसों अच्छे से पक चुका है, उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच उड़द की दाल और 2 चम्मच चने की दाल डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मूँगफली। तो 1 कटोरी हम मूँगफली ले लिए, उसको हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जब तक मूँगफली थोड़ा सा क्रंची ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। मूँगफली और दोनों दाल को हम फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। दाल और मूंगफली को हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं तेल में। अब हम इसमें डाल देंगे 3 सूखी लाल मिर्च और अब हम इसमें घिसा हुआ अदरक डाल देंगे। तो घिसे नहीं है, इसको हम बारीक कट कर लिए, आप चाहे तो घिस के भी डाल सकते हैं। तो 1/2 चम्मच हम अदरक डाल दिए हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिर्च और अदरक को भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लगातार चलाते हुए हमें पकाना है और वो भी मीडियम फ्लेम पे। तो सभी चीज़ों को हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लिए हैं 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। तो 2 चुटकी हम हींग डाल रहे हैं। हींग जरूर डालें लेमन डाइस में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लेमन डाइस का। अब हम इसमें डाल देंगे करी लिप्स, क्योंकि साउथ इंडियन डिश में तो करी लिप्स जरूर डलता है। तो इसमें 12 से 15 हम करी लिप्स डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। तो तेल में ही हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पका हुआ चावल ले लिए हैं। चावल को हम पहले ही से बॉईल करके रख लिए थे, वो हम इसमें यूज करेंगे। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। तो 1/2 चावल डाल देंगे। बस याद रखिएगा चावल ओवर कुक ना हो, एकदम खिला खिला लगे चावल। ज़्यादा चावल को नहीं पकाना है। ये देखिए एकदम खिला खिला लग रहा है चावल, वैसा लगे एकदम चिपचिपा या गीला चावल नहीं रहना चाहिए, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो सभी पके हुए चावल को डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर ज़ोर से आप कीजिएगा तो चावल के दाने जो है वो टूट जाएंगे। तो एकदम हल्के हाथों से सभी चावल को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं चावल को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अगर आप चावल को बॉयल करने वक्त भी नमक डाले थे तो कम ही डालें। और उसके बाद यहाँ पर हम 2 नींबू ले लिए थे, उसका रस निचोड़ के रख लिए थे, वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। और इसके बाद नींबू डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से और 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आपके घर में अगर सुबह का या फिर शाम का पका हुआ चावल बच जाता है और खाने का मन ना करे तो आप लोग भी इस तरीके से लेमन डाइस को बना के खा सकते हैं। ये खाने में भी टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी होता है, बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और हम आपको दिखाते हैं एकदम खिला खिला बना है। तो गैस को कर दिए हैं ऑफ, 1 मिनट हो चुका था। तो हम आपको दिखाते हैं एकदम एकदम खिला खिला बना है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। तो चलिए अब हम इसको 1 प्लेट में निकाल लेते हैं और तब हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों लेमन डाइस बनके है तैयार। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सिंपल सी लेमन डाइस की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।